सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए सुदामा चरित की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बहुविकल्पी प्रश्नों उत्तर पर एक नज़र डालते हैं इस वीडियो में। तो आइए चले सीधे बहुविकल्पी प्रश्नों उत्तर की ओर। पहला प्रश्न हमारा, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? दूध से, ठंडे जल से, आंसुओं से, गर्म जल से? सही उत्तर होगा आंसुओं से। अगला प्रश्न, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे, ये सब किसने कहे हैं? सुदामा ने, श्री कृष्ण ने, द्वारपाल ने, ब्राह्मण ने? सही उत्तर होगा श्री कृष्ण ने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सुदामा की पोटली में क्या था? चावल, चना, गेहूं, ज्वार? सही उत्तर होगा चावल। अगला प्रश्न, सुदामा ने पोटली कहाँ छिपा रखी थी? अपने पीछे, अपने आगे, अपने बगल में, पैरों के नीचे? सही उत्तर होगा अपनी बगल में। अगला प्रश्न, सुदामा चावलों की पोटली किस कारण नहीं देना चाहता था? लालच के कारण, अपमान के डर से, संकोच के कारण? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा संकोच के कारण। अगला प्रश्न, गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को खाने के लिए क्या दिया था? चने, चावल, गुड़, शक्कर? सही उत्तर होगा चने। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण का कौन सा कार्य सुदामा को पसंद नहीं आया? दही के लिए घर घर हाथ फैलाना, सुदामा को विदा करते समय उसे कुछ नहीं देना, सुदामा की टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल बनवाना? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सुदामा को विदा करते समय उसे कुछ नहीं देना। अगला प्रश्न, सुदामा किसके कहने से श्री कृष्ण के पास आया था? अपने पत्नी के, द्वारपाल के, श्री कृष्ण के, ब्राह्मण के? सही उत्तर होगा अपनी पत्नी के। अगला प्रश्न हमारा, इस कविता में सुदामा की किस पुरानी आदत की ओर संकेत किया गया है? सच बोलने की, झूठ बोलने की, चोरी की, गरीबी की? सही उत्तर होगा चोरी की। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण